5 दिन में क्या क्या सीखा? अभी आप सबसे एक बार पूछूंगा, एमटीके की फ्लैशिंग बन जाएगी? सब लोग एक बार हाथ उठा के बताइएगा, कौन कौन एमटीके की फ्लैशिंग कर लेगा? यहाँ पर आईएमई रिपेयर एमटीके का, एमटी को बिना डेड किए हुए रिपेयर, अगर हमें उसको यूजर डाटा बचाना है तो बाइनरी नंबर जनरली क्या कर रहे हैं टेक्नीशियन चेक करते नहीं है कौन सा बाइनरी नंबर है, डायरेक्ट फाइल घुसा देते हैं और वो टोटल डेड हो जाता है और ईएमएमसी पे आ जाता है, और यही बात है कि वो दुकान दुकान घूमता रहता है, कनेक्ट भी नहीं होता है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ जैसे नए सैमसंग S8 आया, S9 आया, या फिर नया सैमसंग कोई सा भी आ रहा है, या J4 आया, तो सबके डाउनलोड मोड पता है आपको? अगर वो कुछ फोनों में क्या होता है कि डाउनलोड मोड है ना, फोन को बंद नहीं होते, पैटर्न पे ही होते हैं, सो उसको भी आपको पता है कि किस तरह से लाना है? ओप्पो की फ्लैशिंग हो या वीवो की फ्लैशिंग हो या ऑनलाइन फ्लैशिंग हो MI का, कितना पैसा लगेगा आप लोगों को? बिल्कुल जीरो। जीरो रुपए लगेगा? क्यों लगेगा ऐसा जीरो? क्योंकि आप एशिया टेलीकॉम के क्या है, स्टूडेंट है, इसलिए आपको ओप्पो और MI की फ्लैश फाइल में फ्लैशिंग करने के लिए बिल्कुल कितना पैसा लगेगा? जीरो रुपए लगेगा, जो कि बाहर लोग कितना दे रहे हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम। और नहीं, लोग ठग रहे हैं, लोग आधे तो ठग रहे हैं इसके नाम पर, क्योंकि हर कोई करता नहीं है और सिर्फ उसके नाम से पैसा ले लेता है और बाद में फिर वो देता भी नहीं है सर, फोन बंद कर लेता है। और कई लोग तो पागलपंती में 5,000 रुपए में खरीद लेते हैं, जो कि खरीदना चाहिए क्या? फ्री में चाहिए तो क्या करें? एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन करें, जहाँ पे कॉपी किताब पेन नहीं लाते, दिमाग लाते हैं। पर मैं सच बताऊं, यहाँ पे कौन लोग हैं जो 3-4 महीने कॉल करके आए हैं, मतलब बहुत परेशान होकर आए हैं? ये देखो दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, मतलब किसी को डायरेक्ट सीट अगले महीने नहीं मिली है, तो आप कॉल भी करेंगे तो हो सकता है आपको भी ना मिले, इसलिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अच्छा, मैं 4 महीने के बाद मिली है, क्यों आपने फिर यहाँ पे रुके, क्यों कहीं और नहीं चले गए, यहीं पे क्यों आना चाहते थे? रिव्यू अच्छा था सर यहाँ जो आप दे रहे हो, तो आपने जो देखा था वो तो फेक होगा नहीं, जब आप खुद दे रहे हैं यहाँ पर, आप बताइए। जो भी स्टूडेंट यहाँ फोन करते हैं वो निराश ना हो, क्योंकि सर हमें पढ़ाते हैं तो कोई फोन अटेंड ही नहीं करता, और यही सर अटेंड करते हैं, तो इसलिए आप 2-4-10 बार फोन लगाइए, ये मैसेज कर दीजिए। और इतने सारे एक साथ माइक्रोस्कोप किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको नहीं मिलेगा? हम अपने अपने माइक्रोस्कोप पे अपना अपना काम कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ 12 माइक्रोस्कोप है, अभी किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको नहीं मिलेगा कि 12 माइक्रोस्कोप हो। नंबर लगा था यहाँ पर, तो मैं क्या बताऊँ सर, इतनी खुशी थी, और आने के बाद उससे डबल खुशी मिली, क्योंकि मैं जो लेने आया था अब मैं बता नहीं सकता, मेरे को उससे 2 गुना ज्यादा मिला है। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम, मेरे साथ में एशिया टेलीकॉम के स्टूडेंट, ये हमारा 28 अप्रैल का बैच का है, और जहाँ पे हमारा हार्डवेयर की क्लास हो गई, ये है सॉफ्टवेयर की क्लास। जिस तरह से मैं हमेशा हार्डवेयर में भी 3 दिन का 4 दिन का आउटपुट देता हूँ, उसी तरह से यहाँ ये 5 दिन का आउटपुट है। आउटपुट देने में देर इसलिए हो गई है क्योंकि ज़्यादा आउटपुट मिले तो ज़्यादा अच्छा है, क्यों अतुल? Yes, सही, थैंक यू। सो यहाँ पर 5 दिन में क्या क्या सीखा, अभी आप सबसे एक बार पूछूंगा, MTK की फ्लैशिंग बन जाएगी? सब लोग एक बार हाथ उठा के बताइएगा, कौन कौन MTK की फ्लैशिंग कर लेगा यहाँ पर? IME रिपेयर MTK का, MT को बिना डेड किए हुए रिपेयर, अगर हमें उसको यूजर डाटा बचाना है, बचाएगा। पैटर्न रीड करना है, ये पता है। मेडिकल टूल चला लोगे? UMT चला लोगे? MRT चला लोगे? अगर मैं आपसे पूछता हूं अब एक ही बात, अब कॉलकॉम की फ्लैशिंग बन जाएगी? हाथ उठा दो। कॉलकॉम का डायग्नोस्टिक पोर्ट कैसे ओपन करना बन जाएगा? IME रिपेयर कॉलकॉम को, अगर हमें यूजर डाटा बचाना है सब बन जाएगा। सैमसंग की फ्लैशिंग बन जाएगी? सैमसंग के किसी भी फाइल में, सैमसंग के किसी भी फोन को हम बता देंगे कि कंट्री कौन सा है, सारी चीज। FRP निकालना, कॉम्बिनेशन फाइल समझ में आ गया है, ADB मोड समझ में आया, कौन कौन से मोड होते हैं फोन में, कौन कौन से स्पेक्ट्रम की फ्लैशिंग बन जाएगी आप लोगों से? अगर मैं आपसे पूछूं स्पेक्ट्रम के बाद MBN कॉलकॉम की फ्लैशिंग बन जाएगी? ओप्पो की फ्लैशिंग ऑनलाइन वाली, ऑनलाइन समझ में आ जाएगी कैसे होता है? सर इतनी सारी चीजें 5 दिन में, सबको मैंने 100-100 रुपए तो नहीं दिए ना? सच बताओ, सब लोग ने खुद पैसे दिए ना मेरे को सीखने के? नहीं सर, पैसे दिए आप लोग ने तो फीस दी है ना? फीस दी है। तो ये बताइए कि यहाँ पर ये जो वीडियो आप बना रहे हो,
ये जेन्युइन है कि फेक है कि क्या है, आप थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करोगे? 100% जेन्युइन है सर। 100% जेन्युइन है, क्योंकि तुम यहाँ पर मेरे लिए क्यों बोलोगे? कहाँ से आए हो आप? मैं बंगाल से आया हूँ। आप बंगाल से आए हो, आप सीखने के लिए आए हो यहाँ पर। आपने 5 दिन में जो भी सॉफ्टवेयर सीखा उससे आप काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? कि डाउटफुल तो नहीं हो ना कि अगर दुकान में बैठ कर कि डाउटफुल काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? कुछ कॉपी किताब पेन क्यों नहीं लाते यहाँ पर? रीजन बता दो उसका। सर हम दिमाग लेके आते, दिमाग में लोड करते, दिमाग में लोड करके आते। समझाया इसी तरीके से जाता है कि दिमाग में क्या हो जाए, लोड हो जाए। अगर मैं आपसे बताऊँ उसके अलावा भी आपको यहाँ पे क्या क्या चीज दी जाती है दिमाग में लोड करने के लिए? कॉपी किताब की जगह चम्मच दी जाती है, मतलब PDF। आपको यहाँ पर इस तरह के नोट्स दिए जाते हैं जिसमें आपको सारी चीजें समझ में आए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सो आप ही से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे चलिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे, मेरे साथ में मेरे स्टूडेंट है, आप मुझे बताओ स्प्रेटम का आपने पूरा काम किया हुआ है, आपने कॉलकम का काम किया हुआ है, आपने सैमसंग का किया हुआ है, MI का किया हुआ है, 5 दिनों के अंदर आपने इतना सब कुछ सीखा। चलो सबसे पहले तो स्प्रेटम में कौन सी फाइल आएगी? जो भी एरर आया वो एरर हटा सकते हैं। अपग्रेडेड टूल में एरर नहीं है। फैक्ट्री टूल भी आपको पता है? फैक्ट्री टूल का भी क्या, फैक्ट्री टूल का क्या यूज करना है, क्यों यूज करना है? सब हटा सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पैक फाइल आती है स्प्रेक्टर में, उसके अलावा एक और फाइल आती है कोई सी? बिन फाइल आती है। तो बिन फाइल अपन को कहाँ पे है और कौन सी फाइल होती है वो? बिन फाइल से रीड की हुई फाइल होती है। रीड की हुई फाइल होती है, तो वो अपन किस टूल से उसको अपन कर सकते हैं? बिन फाइल अपन किस टूल में कर सकते हैं? मेडिकल टूल में कर सकते हैं। अच्छा बताओ कि ये पैक फाइल जो रिसर्च डाउनलोड में यूज होते हैं, रिसर्च अच्छा होता है कि अपग्रेड अच्छा होता है? रिसर्च। अच्छा ये बताओ ये कौन से मोड में कनेक्ट होगा? कौन से दो मोड होते हैं एक एंड्रॉइड में? एंड्रॉइड के अंदर कौन से दो मोड होते हैं? फास्ट बूट। तो अगर मैं यहाँ से फ्लैश मोड कैसे लेके आओगे SPD का? वॉल्यूम डाउन या फिर वॉल्यूम, ये सब किया था यहाँ पर, वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन? अगर वॉल्यूम का बटन भी टूटा हुआ है तो कैसे लाओगे? मिरेकल बूट जिक के साथ में, तो तब जाके हम इसको फ्लैश कर सकते हैं। सो अगर अगर मुझे FRP निकालना है तो कौन से दो मोड से निकाल सकता हूँ? एक फास्ट बूट और एक फ्लैश मोड। फ्लैश मोड फास्ट बूट से भी, और फास्ट बूट से नहीं निकल पा रहा है, इसका रीजन क्या है? बूट लोडर लॉक होगा। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, इनके लिए तालियां बजा दीजिए। आपका आपका नाम क्या है? थैंक यू वेरी मच। आपका नाम बताइए। सरविंदर कुमार। कैसा लगा आपको यहाँ पर सरविंदर? कहाँ से हो? पंजाब से हो? पंजाब से। तो कैसा है आपको लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, मतलब जो सॉफ्टवेयर आपने सीखा और हार्डवेयर सीखा वो आपको जो सोच के आए थे वो मिला कि नहीं मिला? अच्छा ये बताओ MTK का बताओगे मुझे? MTK में जो फाइल आती है वो कौन सी फाइल होती है? स्कैटर। अगर मुझे ये कौन से टूल को सपोर्ट कर सकता है स्कैटर फाइल? सर अपना हाँ, कौन से टूल में अपलोड हो सकती है ये फाइल? अपना SP फ्लैश टूल और अपना मेरिकल और UMT और MRT में भी हो सकती है। अच्छा ये बताइए जो हम स्कैटर फाइल को लेते हैं वो उसके लिए मोबाइल को कौन से मोड में डालते हैं? कौन से दो उसके अलावा मोड होते हैं फ्लैश मोड के अलावा? ADB और फास्ट बूट। सो फ्लैश मोड कैसे लेके आते हैं कि MTK में? सर वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस, या तो दोनों, या तो उसके बाद में कुछ मोबाइल में तो हमें कुछ भी नहीं दबाना पड़ता है, कुछ मोबाइल में ऐसा ही हो जाता है। ठीक है, तो आपने सारी चीज यहाँ पे देखी है। तो अच्छा ये बताइए कि अब मुझे कैसे पता चलेगा मेरे पास एक ओप्पो का फोन आया या वीवो का आया या मुझे कोई सा भी है लावा इंटेक्स आया और उसमें एक MTK का CPU है, मुझे कैसे पता चलेगा MTK का CPU है? दो तरीके हैं उसके, दोनों पता है, और तीसरा तरीका क्या है? डिवाइस मैनेजर में पता चल जाता है। अच्छा मुझे बताइए कि एक MTK की फ्लैश फाइल में कौन कौन से फोल्डर आएंगे, मतलब हाँ बताइए। एक सर अपना उसका टूल आएगा, एक टूल आएगा, टूल में कौन सा टूल होगा? SP फ्लैश टूल। कौन से दो वर्जन? सर V3 V5। देखा V3, सारी चीज दिमाग में है, कुछ लिखा क्या यहाँ पर? ये चीज आप लोग में से किसी ने लिखा क्या? पर सारी चीज दिमाग में है ना इनके, जबकि एक दिन में आपको बताया था मैंने, उसको ये भी नहीं है कि रिपीट किया, आपको रिविजन करवाया दूसरी बार, करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बात करें। अब ये बताइए कि SP फ्लैश टूल में आपने बताया V3 और V5। So, अब मुझे बताओ और उसके अलावा कौन सा फोल्डर बनेगा? सर एक ड्राइवर बनेगा। एक ड्राइवर बनेगा, और ड्राइवर हमें यूज करना है क्या? सर हमें पहले इंस्टॉल किया, तो हमें यूज करने के लिए जरूरत नहीं है। तो उसके अलावा कौन सा बनेगा? SP फ्लैश टूल तो आपने बता दिया, और एक और उसके अलावा फर्मवेयर। फर्मवेयर में कौन सी फाइल आएगी? सर BPL और BL। सर BP और AP, सॉरी
बीपी और एपी और एक स्कैटर, तो बीपी एपी काई के लिए यूज होगी? आई में कौन से टूल में यूज होगी? कौन से टूल में? एसेंड राइटर कौन से टूल में यूज होगी? एसेंड राइटर में कौन से मोड पे हम फ्लैश करेंगे, कौन से मोड पे हम इसको चढ़ाएंगे? इसको फ्लैश मोड पे, और ये फ्लैश मोड से मेटा मोड में जाता है। कौन से मोड पे जाता है? मेटा मोड पे जाता है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे पास में एक MDK का फोन है, उसमें बेसमेंट नहीं है और वो नॉर्मली कनेक्ट नहीं, हार्ड रिसेट से नहीं जा रहा है, मेडिकल से नहीं जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? उसकी कौन सी फाइल डाउनलोड करनी चाहिए? एनवी। सो एनवी फाइल को डाउनलोड कर, एनवी फाइल मॉडल वाइज आती है कि सीपीयू वाइज आती है? सीपीयू वाइज। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, इनके लिए जोरदार तालियां। मैं आपसे क्वालकॉम के बारे में पूछूंगा, आपका नाम क्या है? प्रशांत। प्रशांत, आप मुझे बताओ कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? बढ़िया सर, जो सोच के आए थे उससे ज्यादा मिल रहा है, अच्छी जानकारी मिल रही है सर यहाँ पर। तो आपका जो डाउट से सॉफ्टवेयर में वो सारे क्लियर हो रहे हैं कि नहीं? तो मुझे बताइए क्वालकॉम में कौन सी फ्लैश फाइल आती है? MBN। अगर मुझे बताइए जो इसमें जो तीन फाइल है इनमें से कौन सी दो मेन है और जो एक फाइल है जो हमें जरूरत नहीं है इसकी? रॉ प्रोग्राम और पैच। बाकी हमें लोडर की जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ, रॉ प्रोग्राम में भी तो अलग अलग फाइल आ सकती है? जैसे मैं इसके लिए आपको इमेज बैठाता हूँ, मैं इनको खड़ा करता हूँ क्योंकि यहाँ पे नहीं तो लोगों को लगेगा मैं कोई से भी, मैं तो किसी से भी पूछ सकता हूँ। मुझे बताओ कि रॉ में कौन कौन सी रॉ आ सकती है? एक पैच फाइल आती है, एक रॉ। रॉ में कितने प्रकार की रॉ आती है? कई प्रकार की रॉ आती है ना, क्योंकि चार पांच रॉ दिखाई देती है। सो कौन कौन सी दो आपको रॉ? विदाउट QCM। तो वो दो फाइलों के बारे में पता है? बाकी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि गलत फाइल लेने से तो हमारे फोन डेड भी हो जाता है ना, सो वो आपको पता है रॉ फाइल? आप लोगों को पता है ना कि रॉ फाइल अगर हम सही नहीं लेंगे तो डेड हो जाएगा? जैसे मैं यहाँ पे मुकेश आपको उठा रहा हूँ, मुझे बताओ अगर मेरे को फोन एक कंडीशन है कि डेड हो गया EMC और एक कंडीशन है कि कनेक्ट हो रहा है, सो वो कौन सी दो कंडीशन में कनेक्ट हो सकता है? जैसे अगर मान लो मैंने पैच गलत ले लिया तो क्या होगा? डेड हो जाएगा पर कनेक्ट करेगा, पर अगर गलत रॉ ले लिया तो क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा पर कनेक्ट भी नहीं करेगा। अच्छा बताओ कि ये जैसे क्वालकॉम में फ्लैश मोड कौन सा मोड होता है? फ्लैश मोड सर एक होता है EDL मोड। कैसे लेकर आएंगे? मतलब टेस्टिंग पॉइंट के साथ नॉर्मल क्वालकॉम को कैसे लेके आएंगे? सर एक तो वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम प्लस माइनस, और दूसरा कौन सा? केबल। दूसरा कौन सा? केबल के साथ में EDL केबल। सो EDL केबल कैसे बनाना है ये भी पता है कि नहीं पता है? ठीक है सर। और यहाँ पे इन्होंने बताया, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास में कोई क्वालकॉम का फोन आता है, जनरली लोग उसका IME निकाल देते हैं, IME खराब कर देते हैं, सो अपन तो नहीं करेंगे IME खराब। सो आपको पता है टेक्निक क्या है, कौन सा बेस्ट टूल है देखा जाए तो? UMT नहीं भी होगा तो भी अपन बचा लेंगे IMEI, बचाना पड़ेगा भाई। UMT नहीं होगा, डाटा लॉस बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? डाटा लॉस कैसे बचाएंगे? डाटा लॉस, अच्छा ये बताओ डाटा लॉस क्यूफिल से बचेगा कि UMT से बचेगा? UMT से बचेगा, क्यूफिल से नहीं बचेगा। तो हम मतलब लोगों पर हैंगे या डेड है तो भी हम उसको चालू कर सकते हैं डाटा के साथ। फर्मवेयर देखो MTK में जैसे उन्होंने बात की थी, थैंक यू वेरी मच आपके लिए। आपका नाम क्या है? जी मनोज कुमार। कैसा लगा आपको यहाँ पर? बढ़िया लगा सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर जो लोग वीडियो में बोलते हैं कि यार एक महीने में कैसे सीख सकते हो या कॉपी किताब पेन नहीं लाना पड़ता, हरियाणा से मैंने भी पहले आपकी वीडियो देखा और उनसे इंप्रेस हो गए तभी मैं यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है आपको? हाँ जी सर, थैंक यू वेरी मच। सो यहाँ पर अब मैं अपने एक स्टूडेंट के साथ में आता हूँ, आपका नाम क्या है? कहाँ से? मैं पंजाब से। सो रोहित आप साथ में हो क्या उसके? हाँ सर साथ में हो। अच्छा ये बताइए कि आपने MDK में फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है, एक मॉडल है लावा का X1, सो क्या हम डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर लेंगे बिना कुछ देखे? नहीं सर, पहले हम दो अपने तरीके अपनाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि CPU चेक करेंगे कौन सा है डिवाइस मैनेजर में जाकर, फिर उसके पास बैटरी निकालेंगे फोन की, उसके पीछे बाइनरी नंबर चेक करेंगे, अगर सेम बाइनरी की हमें फाइल मिली नेट पे तो ही डाउनलोड करेंगे, अदरवाइज हम कस्टमर का सेट वापस दे देंगे, डेड होने से बचाएंगे। बिल्कुल। तो बाइनरी नंबर जनरली क्या कर रहे हैं टेक्नीशियन? टेक्नीशियन चेक करते नहीं है कौन सा बाइनरी नंबर है, डायरेक्ट फाइल घुसा देते हैं और वो टोटल डेड हो जाता है और EMMC पे आ जाता है, और यही बात है कि वो दुकान घूमता रहता है, कनेक्ट भी नहीं होता, कनेक्ट भी नहीं होता है। कनेक्ट करने के लिए हमें प्री लोडर को अनटिक करके फ्लैश करना चाहिए। अच्छा मुझे ये बात बताइए, अगर मैं आप ही से पूछता हूँ कि अगर सैमसंग में बात करते हैं, सैमसंग में मुझे फाइल कौन सी मिल सकती है? सर मुझे टर फाइल MD5 के नाम से मिल सकती है। MD5 के दो फाइल है, कौन कौन सी प्रकार की आ सकती है? दो फाइल है, एक कॉम्बिनेशन फाइल होती है और एक फ्लैश फाइल। फ्लैश फाइल कितने प्रकार की आती है? फ्लैश फाइल दो प्रकार की, कौन कौन सी होती है? फोर फाइल्स होती है, फोर फाइल, सिंगल फाइल और फोर फाइल। सो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कि फोर फाइल अगर सिंगल फाइल से फ्लैश करता हूँ या फोर फाइल से फ्लैश करता हूँ, किससे डाटा जा सकता है?
फोर फाइल्स। अगर पर फोर फाइल्स आप फिर भी डाटा बचा लोगे, मतलब कोई से भी टूल से, सिर्फ ओडीन से नहीं बचा पाएंगे, है ना? सो यहाँ पर मेडिकल से बचा लोगे। सो फोर फाइल का पूरा नॉलेज है आपको, कौन कौन सी फाइल क्या क्या होती है, कौन से मोड पे लेके आओगे फोन को? डाउनलोड मोड पे लेके आओगे। डाउनलोड मोड कैसे लेके आते हैं? अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ, जैसे नए सैमसंग S8 आया, S9 आया, या फिर नया सैमसंग कोई सा भी आ रहा है, या J4 आया, तो सबके डाउनलोड मोड पता है आपको। अगर वो कुछ फोनों में क्या होता है कि डाउनलोड मोड है ना, फोन को बंद नहीं होते, पैटर्न पे ही होते हैं। सो उसको भी आपको पता है कि किस तरह से लाना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर अब मेरे साथ में वीरेन है, आप मुझे बताइए कि कॉम्बिनेशन फाइल आपको पूरी क्लियर समझ में आती है? यहाँ पर सबको आई है समझ में कॉम्बिनेशन फाइल का कब यूज करना है वीरेन? तब हम कॉम्बिनेशन फाइल का यूज करेंगे। कॉम्बिनेशन, अच्छा, एक फ्लैश फाइल को डाउनलोड करते समय क्या क्या चीज चेक करनी है आपको सैमसंग की? उसकी हमें बाइनरी चेक करनी है, बाइनरी में उसमें जिसका चेक करना है कि फ्लैश उसका U1 वगैरह ये सब क्या होता है, मतलब उसकी बाइनरी नंबर हमें चेक करना है, हमें मॉडल नंबर चेक करना है, सही है, कंट्री, क्योंकि बाइनरी नंबर से कुछ नहीं होता है, क्योंकि सैमसंग में ग्लोबल फोन नहीं होते, उसमें कंट्री वाइज फोन होते हैं। सो हमें कंट्री, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा सेट, फिर बेसबैंड भी जा सकता है आपका। सो वैसी अगर मैं आपके बोलूं, अगर मेरे को एक फॉल्ट आ रहा है नेटवर्क नॉट रजिस्टर, तो वो भी फॉल्ट बना सकते हैं अपन, कि मैंने आपको बताया Z3X से उसका एक सीक्रेट कोड बताया था, मैं बता देता हूं आपको, *00011#, वहां पे आपको IMEI चेक करना है। अगर IMEI आपका NG दिखाई दे रहा है तो Z3X में पैच सर्टिफिकेट देना है। क्या देना है आपको? पैच सर्टिफिकेट। और उसके बाद में अगर फिर अगर पैच सर्टिफिकेट से नहीं हुआ तो NV डाटा वाली फाइल देनी है। ये मैंने आपको बताया था यहाँ पर। वीरेन, कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा। आपको पहले भी आए थे और उसी जगह खड़े हुए थे मेरे ख्याल से, और मेरे ख्याल से टर्न अराउंड थे, अभी साइड हो यहाँ पर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सो यहाँ पर हमने अब MI की बात करते हैं, Xiaomi MI की बात करते हैं। MI में कौन सी फाइल आएगी? TGZ आएगी। और अगर MI में कौन से दो CPU आते हैं? MI में सर Qualcomm आते हैं और MediaTek। MediaTek आता है। Qualcomm में आएगा तो उसके अंदर एक फोल्डर बन के आता है इमेज, तो उसके अंदर कौन सी फाइल आ सकती है? सर उसमें पैकेज फाइल आती है, वही MBN। और अगर स्कैटर, अगर मान लो अगर MTK रहा तो कौन सी फाइल आएगी? स्कैटर फाइल आएगी। तो पर अगर जब MBN आ रही है और स्कैटर आ रही है तो क्यों नहीं मैं उसको QFIL यूज कर सकता हूँ, UMD यूज कर सकता हूँ? So, मुझे क्यों MI का फ्लैश टूल क्यों यूज नहीं करना है, रीजन बताओ उसके। MI फ्लैश टूल उसके लिए बना होता है। बना होता है, तो मैंने आपको कुछ कारण बताया था, बेस्ट क्या क्या रीजन है बता दो जरा उसका। सर हम MI फ्लैश टूल से फ्लैश करेंगे तो डाटा भी बचा, डाटा बचा सकते हैं, सेव यूजर डाटा। सर बेसबैंड और IMEI कभी नहीं जाएगा सर। सेट एक और कंडीशन क्या बताई थी? सेट डेट नहीं करेगा। कौन से मोड में कनेक्ट करना है? EDL मोड। और कौन से मोड में कनेक्ट कर सकते हैं उसमें? फास्ट बूट। पर फास्ट बूट में क्यों नहीं होता है? फास्ट बूट में उसका बूट लोडर लॉक रहता है, तो इसलिए एज अ टेक्नीशियन EDL मोड पे है। तो Xiaomi में EDL मोड कैसे लेकर आते हैं सर? उसका Xiaomi में एक तो वॉल्यूम अप डाउन एक सब दबा के लाते हैं या फिर EDL केबल से लाते हैं। तो ये आपने इन सब ने देखा है कि नहीं देखा है, किया है कि नहीं किया है? यहाँ पर प्रैक्टिकल किया है कि नहीं? चलिए ठीक है, अगर मैं आपके बात करता हूँ Xiaomi की फ्लैशिंग आप बना लोगे, Xiaomi के फ्लैशिंग में Xiaomi के MI अकाउंट ये भी है। अगर मैं आपको बताऊँ MI अकाउंट छोड़ो, Vivo का अकाउंट लग गया या फिर Oppo का अकाउंट लग गया, तो उसका भी मैंने मिरेकल से बताया था ना कि एक्स्ट्रा में अलग अलग अकाउंट बने होते हैं, अलग अलग आप कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। सो अगर मैं यहीं पर बात करता हूँ, आप आइए। सो ये आपका कैसा लगा आपको यहाँ पर? सर बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। जो आप सोच के आए थे कि ऐसा टेलीकॉम जाऊंगा सीखूंगा, घर पे जाएंगे और कब मोबाइल हाथ में लेंगे सर, ऐसा है अब ऐसा लग रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप बताइए कहाँ से आए आप? पुणे से आए सर। कहाँ, क्या नाम है आपका? आतिश। तो दोस्तों यहाँ पर ये पुणे के मेरे साथ स्टूडेंट है। सो आप मुझे ये बताओ ओप्पो की फ्लैशिंग जो ऑनलाइन होती है डाउनलोड, MSM आया तो कौन सा CPU? Qualcomm का। और अगर डाउनलोड आया तो कौन सा CPU? और एक बार मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ यहाँ पर, कौन बताएगा? आतिश, अनिस आप बता दो यहाँ पर, यहाँ पे आ जाओ जरा। ये मेरे वीडियो का खास वो है कि Oppo की फ्लैशिंग हो या Vivo की फ्लैशिंग हो या ऑनलाइन फ्लैशिंग हो MI का, कितना पैसा लगेगा आप लोगों को? बिल्कुल जीरो। जीरो रुपए लगेगा? क्यों लगेगा ऐसा जीरो? क्योंकि
आप एशिया टेलीकॉम के क्या है? स्टूडेंट है, इसलिए आपको ओप्पो और एमआई की फ्लैश फाइल में फ्लैशिंग करने के लिए बिल्कुल कितना पैसा लगेगा? जीरो रुपए लगेगा, जो कि बाहर लोग कितना दे रहे हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम। और नहीं, लोग ठग रहे हैं, लोग आधे तो ठग रहे हैं इसके नाम पर, क्योंकि हर कोई करता नहीं है और सिर्फ उसके नाम से पैसा ले लेता है और बाद में फिर वो देता भी नहीं है सर, फोन बंद कर लेता है। और कई लोग तो पागलबंदी में 5,000 रुपए में खरीद लेते हैं, जो कि खरीदना चाहिए क्या? फ्री में चाहिए तो क्या करें? एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन करें, जहाँ पे कॉपी किताब पेन नहीं लाते, दिमाग लाते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सो ये देखा दोस्तों, यहाँ पर हमने बहुत सारी बातें की हैं, आपने देखा ये 5 दिन का आउटपुट है, मतलब 5 दिन में अभी भी आप देख रहे हैं हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे प्रोजेक्टर हमारा चल रहा है, यहाँ पे हमारे लैपटॉप है और यहाँ पे फ्लैशिंग करते हैं, जो जो चीज हम बताते हैं यहाँ पे सब प्रैक्टिकली दिखाते हैं। अगर आपको लगता है कि हम जेन्युइन है तो नीचे लाइक का एक बटन दिया हुआ, उसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और नीचे दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। पर मैं सच बताऊं, यहाँ पे कौन लोग हैं जो 3-4 महीने कॉल करके आए हैं, मतलब बहुत परेशान होकर आए हैं? ये देखो दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, मतलब किसी को डायरेक्ट सीट अगले महीने नहीं मिली है, तो आप कॉल भी करेंगे तो हो सकता है आपको भी ना मिले, इसलिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अच्छा, मैं 4 महीने के बाद मिली है, क्यों आपने फिर यहाँ पे रुके, क्यों कहीं और नहीं चले गए, यहीं पे क्यों आना चाहते थे? रिव्यू अच्छा था सर यहाँ जो आप दे रहे हो, तो आपने जो देखा था वो तो फेक होगा नहीं, जब आप खुद दे रहे हैं यहाँ पर, आप बताइए। जो भी स्टूडेंट यहाँ फोन करते हैं वो निराश ना हो, क्योंकि सर हमें पढ़ाते हैं तो कोई फोन अटेंड ही नहीं करता, और यही सर अटेंड करते हैं, तो इसलिए आप 2-4-10 बार फोन लगाइए, ये मैसेज कर दीजिए। मैसेज आप लोग ने भी मैसेज किए थे यहाँ पर, सो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और एशिया टेलीकॉम के चैनल पे आके अच्छी अच्छी बातें कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको यहाँ आना है अगर आपको यहाँ आना है तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते, इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। हाँ, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। हाँ, सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा, और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का। हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था, उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सिखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर ले, मतलब हम बोल रहे सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं बोलने के लिए, मेरा दिल बोल रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सर ये नहीं बोलते हाँ तुम्हें बोलना है कैमरे में, ये बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हम खुद का बोल रहे, कोई हम पे प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो, मतलब हमें ऐसा फील हुआ, हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट चुना जाए, तो मैंने फिर वीडियो देखा और यहाँ पे आया टेलीकॉम को चुना। तो आप सर 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक पार्ट को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, आगे चल के मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा एक इंस्टीट्यूट भी खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कर लूँ कि मैं हर एक पार्ट को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे की मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं सके मतलब इसके अंदर। एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था, अब है जो मैंने। अच्छा, ये सर सुना था। ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर, जो कल नए बच्चे जो आए थे। अच्छा, मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया, और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था
उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, मैकेनिक नहीं होता है वो, जिसका वो अंदर का उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Announcing 9001 and 2008 Certify Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.